चेन्नई सुपर किंग टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, जानिए कौन सी टीम का पलड़ा है ज्यादा भारी और क्या कहते हैं अब तक के हैट्रिक्स रिकॉर्ड और कौन सी टीम जीत सकती है आईपीएल 2023 का 61वां मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट की और नई वीडियो में। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स के क्या कहते हैं अब तक के हैट्रिक्स रिकॉर्ड और क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों आईपीएल पर जुड़े छोटे बड़े अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो बढ़ते आकर देखते हैं आज का पूरी अपडेट। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2023 का 61वां मुकाबला 14 मई को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों चेन्नई कोलकाता के बीच फैंस हमेशा की तरह इस रोमांचक पेशकश में भारी मात्रा में आने वाले हैं। दोस्तों आगामी मैच में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो लगता है कि मैच में महेंद्र सिंह धोनी का जलवा फिर से दिखने वाला है। दोस्तों एक और जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल बीतते परफॉर्मेंस काफी खराब होती जा रही, वहीं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों कोलकाता में नीतीश राणा की अनुगाई वाली टीम पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। उनका आखिरी मैच राजस्थान रॉयल के खिलाफ जयपुर में खेला गया था, जहां पे दोस्तों राजस्थान के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम अपने ही होम ग्राउंड पर पिछले मैच पर दिल्ली कैपिटल्स को राउंड कर पॉइंट टेबल पर 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। दोस्तों पिछले कुछ मैचों में केकेआर ने अपना दम दिखाया है, वो तीन फॉर्म बल्लेबाज नीतीश राणा, रिंकू सिंह और वेंकटेश्वर अय्यर पर अधिक निर्भर है। वहीं दोस्तों इन तीन बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो केकेआर के अन्य बल्लेबाज और खिलाड़ी विफल होते हुए नजर आते हैं। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग टीम जहां अपने 12 मैचों में से 7 मैच जीतने के बाद अपनी ऊंची उड़ान भर रही है। सीजन के अपने 12 मैचों में 7 मैच जीत दर्ज करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की यूनिट उच्चतम आत्मविश्वास के साथ अगले मैच में गेम दिखाने आ रहे। दोस्तों येलो आर्मी अपना आखिरी गेम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत कर आ रही है। दोस्तों वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग टीम के अब तक के हैट्रिक रिकॉर्ड की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग टीम के बीच अब तक 28 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग टीम ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है और अपना दबदबा दिखाया है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को सिर्फ 9 बार जीत मिली है। दोस्तों आईपीएल 2023 के पिछले मैच में भी चेन्नई सुपर किंग टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के होम ग्राउंड पर जाकर रौंदा था। वहीं दोस्तों आईपीएल के इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी, शिवम दुबे, डेविन कॉनवे, नीतीश राणा, रिंकू सिंह और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। दोस्तों इस मैच के लिए सीएसके के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, मोइन अली, अजिंक्य रहाणा, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, महेश पसराना, तुषार देशपांडे और दीपक चहर टीम में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें जेसन रॉय, अन जगदीशन, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, टीम सऊदी, वरुण चक्रवर्ती और उमेश यादव टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। आपको क्या लगता है चेन्नई या फिर कोलकाता कौन सी टीम इस मैच को कर पाएगी अपने नाम, आप अपने व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।